आपको बताएं बड़ी जानकारी मोदी कैबिनेट की, आज अहम बैठक होने वाली है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 10 बजे होगी अहम बैठक और सभी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यहां काफी महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। तो बड़ी जानकारी, कई अहम मुद्दे भी इस बैठक में चर्चित रह सकते हैं, यानी कि कई अहम मुद्दे उठाए जा सकते हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। तो बड़ी जानकारी, मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होगी आज। तो बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको, सुबह 10 बजे होगी ये मीटिंग, यानी कि अब से एक घंटे बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि अब देखना होगा ये बैठक कितनी अहम रह सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सत्य तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सत्य, कितनी खास ये बैठक देखी जा रही है? सत्य, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? साधना, देखिए ये मीटिंग का जो है 10 बजे होनी थी, लेकिन अभी अचानक से कुछ तकनीकी शायद कारण है या फिर जो भी सरकारी दिशा निर्देश होंगे उसके वजह से इस बैठक को आधे घंटे के लिए टाला गया है। और ये बैठक अब 10:30 बजे होगी, पीएम की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। और इस बैठक में एक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर की भी बैठक होगी सीसीए की। तो हो सकता है इस पे आने वाले वक्त में जो भी बड़ी जानकारियां, मतलब जो भी बड़ी जो फाइनेंस को लेकर जो भी चीजें आएंगी उस चीज पे हो सकता है कुछ चर्चा हो इस पे। अभी इस पे और तमाम जानकारियों के लिए अभी हम अपनी नजर बनाए रखे हुए हैं और मोदी इसकी कैबिनेट बैठक करेंगे सुबह 10:30 बजे। 10 बजे होनी थी लेकिन ये 10:30 बजे तक टल गई है अभी। और ये वर्चुअल मीटिंग होगी चूंकि कोरोना का काफी ज्यादा असर देखा जा सकता है। सत्य, क्या कोई जानकारी निकली है कि ये बैठक पहले तो 10 बजे होनी थी लेकिन अब आपने बताया कि अब 10:30 बजे होगी ये बैठक, क्या कोई स्पेशल कोई जानकारी या फिर क्या कोई वजह रही है कि लेट हुई है ये मीटिंग? देखिए साधना, ये जहां तक मतलब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि चूंकि ये वर्चुअल मीटिंग होनी थी तो शायद जो ऑफिस से कुछ बात आई होगी कि इस मीटिंग को आधे घंटे तक टाला जाए। हो सकता है पीएमओ से ही कुछ बात आई हो, लेकिन अभी इस पे ठोस जानकारी तो कुछ दिया नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, एक मतलब एक ये बात जरूर है कि 10 बजे की जगह पे ये 10:30 बजे हो गया है, लेकिन अभी देखते हैं आगे क्या और जानकारियां मिलती हैं इस मीटिंग के द्वारा। चलिए सत्य, बहुत शुक्रिया अपडेट बनाए रखने के लिए, बहुत शुक्रिया।